नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर बीते 90 दिनों से नंगल के आई ब्लॉक चौक पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नेताओं ने शहर में पैदल रोष मार्च निकालकर केंद्र सरकार व भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस रोष प्रदर्शन में विभिन्न किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं के अलावा महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नंगल बस स्टैंड के निकट से शुरू हुआ यह रोष प्रदर्शन अड्डा मार्केट, मेन मार्केट, महावीर मार्केट होते हुए आई ब्लॉक चौक जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर शमशेर सिंह शेरा व सुरजीत सिंह ढेर इत्यादि ने कहा कि जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। सुने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा किसान नेता शमशेर सिंह शेरा ने। आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री आनंदपुर साहब वालों भारतीय जथेबंदियों के नाल नंगल दे विच वड्डा रोस मुजहरा किया जा रहा है। अज साडे नौजवानों नू BSNL चौंक दे विच खड़दियां नू 3 महीने पूरे हो चुके हैं। नंगल इलाके के दुकानदार भरावां नू किसानां नू नौजवानों नू अपील करते हैं, नंगल चौंक दे विच लगातार खड़िया करो, इन्हां नौजवानों का साथ दिया करो। जदों तक तन्ने काले खेती कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक यह संघर्ष जिहड़ा लगातार इसे तरह जारी रहेगा। इस मौके पर कामरेड सुरजीत सिंह ढेर ने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते जे भी सुने। ਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਆਓ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕਾ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਨੰਗਲ ਸੇ ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।